बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया था कि दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन सा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि दुनिया का सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल कहाँ पे है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन पूरा वीडियो सुनने के बाद आप सभी मेरे बात से एग्री करेंगे कि बात बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है वो है आपका घर। आप जिस भी स्थान में रहते हैं, चाहे छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हॉस्टल हो, भाड़ा का घर हो, जैसा भी घर हो, एक इंसान जहाँ पे रहता है उसके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल वही होता है। कैसे होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप लोग नोटिस करके देखेंगे, बहुत सारे लोग आज के डेट में 30 या 40 साल के अंदर उन लोगों को सीरियस बीमारी हो जाता है, जैसे कि शुगर हो जाता है या थायराइड हो जाता है या कोई ऐसा सीरियस बीमारी हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में आपको बहुत ही कम लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका उम्र 60 हो गया है, 65 हो गया है, लेकिन इनको कोई बीमारी नहीं है। ऐसे सर्दी खांसी तो होते रहता है, लेकिन इनको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज़, थायराइड, ऐसा कोई हाई बीपी, लो बीपी, ऐसा कोई भी सीरियस बीमारी नहीं है। आपके एरिया में भी अगर कोई है या आप किसी को जानते हैं, तो आप दोनों की ज़िंदगी में एक चीज़ का फ़र्क देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा ये है कि किसकी ज़िंदगी में शांति है। जहाँ पे इंसान शांति से रहता है ना, उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं होता है। ये बात आप मैं लिख के ले लीजिए, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो इंसान दिमाग से शांत होगा उसको जल्दी कभी भी कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिमाग से अशांत हो जाए, अगर आपकी ज़िंदगी से शांति चला गया है, तब 100% आप जितना भी अच्छा जूस खा लीजिए, आप जितना भी अच्छा घर का दाल भात खा लीजिए, चावल रोटी खा लीजिए, उसके बाद भी आपको कोई ना कोई बीमारी होगा ही, और वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगा, उल्टा दिन पे दिन बढ़ते जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस होना चाहिए उसका घर। और आप लोग नोटिस भी करके देख लीजिए, आप मेरे घर में आएंगे या हम आपके घर में आएंगे, आप 5 स्टार जाएंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे, आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अपने घर के अंदर। हम अपने घर में आके आराम से बैठते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है, हमको कोई फ़र्क नहीं है कि कौन हमको देख रहा है, हम हाफ पैंट में बैठते हैं, जैसे मन करता है वैसे बैठते हैं। इसीलिए हर एक इंसान को अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वहाँ पे जाके आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, और हो जाना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग जैसे ही अपने घर में जाते हैं, चाहे उनका अपना घर हो या भाड़ा का घर हो या हॉस्टल हो या होटल हो या आप काम, बहुत सारे लोग काम करने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, वहाँ पर जाके काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसा कंडीशन में चाहे आप किसी के दुकान में लेबर हो, अगर आपको शांति नहीं मिलता है आप जहाँ पे रहते हैं, तब आपका ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाता है। मान लीजिए आपका मालिक सही नहीं है, मान लीजिए आपका बेटा बेटी सही नहीं है, मान लीजिए आपका पड़ोसी सही नहीं है, और ऐसा कंडीशन में आपकी लड़ाई झगड़ा होते रहता है। सामने वाला व्यक्ति को देखने से ही आपका खून खौल जाता है, आप गुस्सा हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, वरी हो जाते हैं। ऐसा कंडीशन में अगर आपका दिमाग ख़राब हो रहा है, तो आपको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगा। और अगर आपका घर छोटा है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सूप जूस कुछ नहीं पीते हैं, लेकिन आप दिमाग से शांत हैं, आपके आसपास का पड़ोसी भी सही है, आप किसी को देख के बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होते हैं, कोई आपको देख के बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होता है, ऐसा कंडीशन में आप देखेंगे कि आपका हेल्थ भी अच्छा बना रहेगा और आपको जल्दी कोई बीमारी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल आपका अपना घर है। यहाँ पे मैं आपको एक और दो एग्जांपल देना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले कि आप जहाँ पे रहते हो कितना पावरफुल होता है। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गया है, आप जाके पता लगा लीजिए, आप जाके रिसर्च कर लीजिए, 10 लोगों को शुगर का बीमारी हुआ है, 10 लोगों को कोई भी सेम बीमारी हुआ है, आप देखेंगे कि किसका बीमारी कितना जल्दी ठीक हो रहा है। इसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ आपके घर का ही है। अगर किसी को बहुत सीरियस बीमारी हो जाए, लेकिन वो एक ऐसा माहौल में है जहाँ पे उसका दिमाग शांत है, अच्छा है, खुश मिजाज है, हंसी मजाक कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका बीमारी या तो जल्दी ठीक होगा या तो उसका बीमारी और ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, उतना में ही स्टॉप हो जाएगा।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा जगह चला गया है भूल से जहाँ पे उसका दिमाग सही नहीं है, शांत नहीं है और पॉजिटिव नहीं है, ऐसे लोगों को जितना भी अच्छा दवा खिला दीजिए, जितना भी अच्छा डॉक्टर दिखा लीजिए, इनका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, उल्टा दिन पे दिन और ख़राब होते जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आपका स्थान आपके शरीर पे, आपके हेल्थ में, आपकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा असर डालता है। कोशिश कीजिए अपने स्थान को सही रखने का और कोशिश कीजिए अपने आसपास के नेगेटिव ऊर्जा को, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करने का। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।